हाँ भाई, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। देखिए, आज हम आपके लेकर आए रीजनिंग का एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस चैप्टर से भी आपको कई प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। टाइप्स मतलब जितने भी प्रकार के प्रश्न मिलते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको करना क्या है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, फिर इसके बाद इनसे रिलेटेड आपके पास बुक होगी, उस बुक में प्रश्न लगाने हैं। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको प्रश्न ना आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उनके प्रश्न के आंसर बता दूंगा या मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए वर्गीकरण में होता क्या है, पहले तो प्रश्न आपको समझना आना चाहिए कि जो आपका ये चैप्टर है वर्गीकरण, इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है। देखिए, जो क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें जो आपके चार ऑप्शंस होते हैं तो तीन ऑप्शंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाते हैं, यानी तीन ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है मेल खाएंगे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शंस होगा जो मेल नहीं खाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन देखिए आप देख सकते हैं आपका, इसमें आपको क्या करना है, पहचानना है कौन सा ऐसा है जो इन चारों में मेल नहीं खा रहा, यानी जो डिफरेंट है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 82, 23, 28 और 44। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग सबने कर लिया होगा। देखिए क्या है, 23 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 82, 28 और 44 ये सभी क्या है, सम नंबर यानी सम संख्याएं हैं, इनका डिवीज़न हो जाएगा आराम से, लेकिन 23 एक विषम संख्या है, तो ये क्या है, इन तीनों से जो है भिन्न है, इस कारण क्या है यहाँ पर ये मेल नहीं खाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये नंबर आपके बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, ये तो भाई एग्ज़ाम आप कौन सा देने जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पुलिस के परीक्षाएं होती हैं या फिर आपके रेलवे परीक्षाएं होती हैं, वहाँ रीजनिंग के बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर बैंक है, SSC है और इसके आगे अगर आप जाते हो तो वहाँ पर प्रश्न थोड़े से टफ होते जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को देख के ही आप समझ जाएँ तो आपके लिए क्या है, बहुत बढ़िया है। अगर आप देख के नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा सा आप इसको टाइम देंगे तो ही आपका वो सबसे बड़ा काल बनता है, टाइम देना। ठीक है, तो वर्गीकरण को समझने के लिए देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, अब आपको समझना है इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुरंत अपना जो दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए हम ज़्यादा देर इसलिए नहीं रुकते क्योंकि आप वीडियो पॉज करके भी जो है इसका आंसर अपने बुक में लगा सकते हैं, यानी सॉल्विंग कर सकते हैं। देखिए हम इसको अब बताना चाहेंगे, देखिए अगर आपने इसका आंसर लगा लिया है तो ठीक है, आपको हम लास्ट में बताते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए पहले इसमें जो आपका ऑप्शंस क्या है वो करेक्ट नहीं है, वो है आपका सी। ठीक है, क्योंकि ऊपर के दो और नीचे का लास्ट ये तीनों आपस में मेल खा रहे हैं, लेकिन सी नंबर जो है वो आपका मेल नहीं खा रहा। क्यों? क्योंकि देखिए जब 66 इंटू हम क्या करेंगे, 3 करेंगे, बात समझ में आ रही है, 66 इंटू 3 करेंगे तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 198 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम क्या करेंगे आपका 39 इंटू 3 तो हमारा क्या आ जाएगा, 117, आप ये करके देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप जब 71 इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे तो आपका नीचे वाला नंबर क्या है, 213, ये भी आ जाएगा, लेकिन ये शर्त जो है ये सी वाले पर लागू नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों? अगर 41 के साथ आप 3 का इंटू करेंगे तो आपका 164 नहीं आएगा, आप इसे कर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको इंटू क्या करना पड़ेगा, 41 का इंटू किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप 4 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 164, बात समझ में आ रही है, जब आप इसका इंटू 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 164। लेकिन ये जो पहले तीन नंबर तुमसे तो मेल नहीं खा रहा, यहाँ हमने इंटू किससे किया, 3 से, यहाँ हमने इंटू किससे किया, 3 से, यहाँ हमने इंटू किससे किया, 3 से, देखिए ये तीनों मेल खा रहे हैं आपस में, लेकिन यहाँ इंटू हम क्या कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, तो ये मेल नहीं खा रहा है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए, इसको भी आप पॉज करके अपने कॉपी पर लगा सकते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो पॉज कर आप कॉपी पर लगा सकते हैं, और अगर नहीं आते तो हम अभी आपको बताते हैं फिर इसको भी। ठीक है, थोड़ा सी आप समय लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या होते हैं वर्गीकरण के प्रश्न, थोड़े से हैवी लगते हैं देखने में पर एक्चुअली में वह हैवी होते नहीं हैं। देखिए अगर हम 1 + 2 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है, 1 + 2 + 3 = 6 हो जाएगा। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो गया। फिर क्या लिखा है, 2 + 3 + 4 और इक्वल टू हम इसको क्या करेंगे, 9 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है ये दोनों। आप देखिए नीचे वाला अगर हम देखें, इन दोनों को देखते हैं, 1 + 2 + 4 = 7 हो जाएगा, हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये भी ठीक है, यानी ये दोनों तो ठीक निकल गए। तो इसका मतलब लास्ट ही वाला गलत होगा, ठीक है। अगर अब हम चेकिंग नहीं करेंगे इसको, लेकिन एग्ज़ाम में हमें लगभग क्या है कि ऐसा नहीं होता, हमें सब चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखें लास्ट वाला का चेक करें, तो देखिए 1 + 1 + 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 होना चाहिए, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या रॉन्ग है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी वाला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर हम लोग, देखिए फोर्थ वाला, चलिए इसको भी देख लीजिए जल्दी से, लगाइए आप इसको कॉपी पर, पॉज करके आप समय ले सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम 5 से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, अगर हम 19 से - क्या करेंगे, 16, फिर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम 31 से - करेंगे 28 तो भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसका सी वाला ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 27 से अगर हम -23 करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 4 बचेगा, ठीक है। और लेकिन ऊपर क्या बच रहा है, 3, इसमें क्या बच रहा है, 3, इसमें क्या बच रहा है, 3, और यहाँ पर क्या बच रहा है, 4। तो ये क्या है, इन सबसे भिन्न है, तो इसका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम देखते हैं, फिफ्थ वाला लिखा है, खेलना, तैरना, सोना और नृत्य करना, ठीक है। इसमें भी आपको विषम ढूंढना है, तो बताइए कौन हो सकता है विषम आपका। ये तो तुरंत देख कर आंसर देने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए खेलना, तैरना और नृत्य करना ये क्रियाओं के रूप हैं, और यहाँ पर क्रिया चल रही है, बट सोना में कोई भी क्रिया यूज़ नहीं हो रही, तो यहाँ पर ये विषम होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी बनते हैं वर्गीकरण के अंदर, थोड़ा सी लेंथी चैप्टर होता है ये, क्योंकि यहाँ प्रश्न का जो लेवल है वो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सभी टाइप्स के प्रश्न हम इस वीडियो में करा देंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए क्या लिखा हुआ 6 नंबर वाला, सेब, नींबू, संतरा और अंगूर, इसमें से आपको डिफरेंट का जो है चॉइस करना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी, अगर आप चॉइस कर लिया होगा आपने देखते ही क्वेश्चन, लेकिन अगर आप देखते हुए नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा समय ले रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप समय ले सकते हो, अपना वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा इसमें समय दे सकते हो, आपको जो भी सही लग रहा है आप उसको टिक कर सकते हो। तो देखिए इसका जो रॉन्ग वाला पार्ट क्या है वो है सेब, क्यों, नींबू, संतरा और अंगूर ये तीनों ही क्या है, रसीले फल है, बट सेब रसीला फल नहीं होता, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये आपका विषम है, लेकिन नीचे वाले तीनों क्या हैं, ये सब सही है, एक साथ मैच खाएंगे कहीं ना कहीं से, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर हम देखेंगे, लिखा क्या है, हमिंग बर्ड, शुतुरमुर्ग, गौरैया और मैना, तो इसमें आपको डिफरेंट ढूंढना है कि इन चारों में कौन सा डिफरेंट है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सी समझदारी करेंगे तो बहुत आराम से कर ले जाएंगे। थोड़ा समय अगर दें तो प्लीज़ क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व करें, बहुत अच्छे से करें, क्योंकि रीजनिंग आपका प्लस स्कोरिंग होता है। अगर आप रीजनिंग को अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में करते रहेंगे तो आपको रीजनिंग कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। अक्सर हम लोग करते क्या है, जीके को टाइम देते हैं, मैथ्स को टाइम देते हैं, रीजनिंग को टाइम नहीं देते, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि बाद में तो हमको आती है रीजनिंग, हम कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है रीजनिंग की, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप भूलते हो। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, शुतुरमुर्ग, वैसे तो सभी पक्षी हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, अगर पक्षी के रूप में देखें तो सभी पक्षी हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। बाकी हमिंग बर्ड, गौरैया और मैना ये तीनों ही पक्षी उड़ सकते हैं, पर शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, इस कारण ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ पर अब आपको पहचानना है। चलिए बताइए, इसके लिए हम आपको थोड़ा समय ज़रूर देंगे, इसको आप ठीक करिए। तो देखिए आप अगर आप बी
प्लस ई ऑफ एस, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंट देखेंगे तो क्या है, प्लस थ्री का है। बात समझ में आ रही है, प्लस थ्री से हम इन दोनों का डिफरेंट देख लेते हैं। इसी तरह आपका सी एफ और आई, इसमें भी क्या है डिफरेंट, प्लस थ्री का है। बात समझ में आ रही है, इसमें भी डिफरेंट क्या है, प्लस थ्री का है। लेकिन अगर हम लास्ट वाला देखेंगे तो इसमें डिफरेंट प्लस थ्री का नहीं मिल रहा है, क्योंकि ई से जो है आपका एच तो क्या है प्लस थ्री का डिफरेंट है, लेकिन एल जो है आपका फोर का डिफरेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है मैच नहीं कर रहा, तो इसका करेक्ट आंसर डी ही होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए, क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पॉज करके देख सकते हैं इसको, कॉपी पे उतार सकते हैं, कॉपी से लगा सकते हैं, आपको जितना भी समय चाहिए आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो है सही दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर वही ऊपर भी हमने क्वेश्चन पूछा था, बस इसका जस्ट ये उल्टा हो गया है। देखिए 52 है, तो 52 को क्या अगर 5 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये तो लिखा है ना 1 4 और प्लस 2, बात समझ आ रही है। देखिए ऐसे 52, ठीक है 52 है, तो अगर हम 52 को अलग अलग कर ले 5 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, और लास्ट वाले डिजिट देखेंगे 1 प्लस 4 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यही हुआ है, फिर नीचे वाला भी देख लीजिए आप, इसी तरह नीचे वाला आप चेक कर सकते हैं, ये भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है 5 और 8, तो कितना होगा 5 और 8, 5 प्लस आपका 8 करेंगे तो आपका जगह 13 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, देखिए 8 प्लस 4 कितना होगा 12 और प्लस 1 इक्वल टू 12 13। ठीक है, तो ये भी आपका ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये दोनों तो आपका मैच कर गया। फिर एक आपका नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, 5 और 6, 5 और 6, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 कर दो तो ओके, ये आपका 8 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है आपका 6 और प्लस 1, तो ये 15 हो रहा है, ये आपका मैच तो नहीं कर रहा है यहाँ से, लेकिन ऐसा होता है तो हमको लास्ट तक चेक करना पड़ता है। ये वाला क्या आपका देखिए आया है ऊपर के, ये दोनों क्या है 11 निकले हैं, और सॉरी ऊपर का ये 7 निकला है, ये आपका 11 निकला, यानी एडिंग पे सही आ रहा है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें ये क्या आ रहा है आपका 15 आ रहा है, तो ये थोड़ा सी रॉन्ग है अभी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें देखिए 5 प्लस 4, तो अगर हम क्या करेंगे, ठीक है अब अगर हम 1 प्लस 2 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 9 आ जाएगा, 6 2 आपके 8 और एक 9, ठीक है ये तो ठीक है, यानी ये सही है, ऊपर के ये दोनों ठीक हैं, ये भी ठीक, ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं मैच करते हैं, बट ये आपस में मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होना, 11 आंसर इसका होना चाहिए था, लेकिन आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 15, तो ये गलत आंसर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 वाले की बात करें। 10 वाला देखिए आप लोग कॉपी उतारिए और आराम से करिए, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सिंपल से डिवाइड दिया गया आपका। ठीक है, 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 56 को अगर हम किसे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसी तरह हम 42 को डिवाइड कैसे करेंगे, 6 से करेंगे तो कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर आपका 7 नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए भाई बहन, माता पुत्री, पिता पुत्र और चाचा भतीजा, इसमें आपको जो है भिन्न का चयन करना है, बताइए कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सी दिमाग लगाएंगे तो आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, आपके बहुत सारे एग्ज़ाम लगे, एक आपका रेलवे एनटीपीसी लगा हुआ है, फिर इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में जेल पुलिस भी होना है, हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, और लगभग सब जगह का जो रीजनिंग का प्रश्न है ऐसा ही पूछा जाता है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करते रहना, हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे रेगुलर आपको इसी तरह, जिससे कि आपका जो है फ्लो में भी बना रहेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कर पाए हो, अगर नहीं कर पाए तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा भाई और बहन। अब ये कैसे होगा देखिए, ऐसे समझिए, चाचा और भतीजा दोनों लिंग कौन से हैं, पुरुष। बात समझ में आ रही है, अगर चाचा की बात करें लिंग पुरुष क्या है,
लिंग पुरुष है आपका, और आपका भतीजा भी क्या है, लिंग पुरुष का है, ठीक है। पिता और पुत्र, तो यहाँ पर भी लिंग क्या है, पुरुष के हैं दोनों, ठीक है। माता और पुत्री, लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन भाई और बहन में दोनों ही लिंग हैं, यानी स्त्रीलिंग और पुरलिंग, यानी तो ये क्या है, इनसे डिफरेंट हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको बात करते हैं। थायराइड, अधिवृक्क, पीयूष और यकृत, देखिए ये आपके ग्लैंड्स के बारे में दिया जा रहा है मनुष्य के, ठीक है। तो इसमें भी आपको डिफरेंट करना चाहिए। देखिए जीके का पोर्शन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपका जो है वर्गीकरण में भी जीके आपको अगर आता है तो आप बहुत सारे प्रश्न आराम से कर लो जो। तो देखिए यहाँ पर यकृत जो है डिफरेंट है, क्योंकि थायराइड, अधिवृक्क और पीयूष ये तीनों ही कैसे क्या है, आपकी अंतःश्रावी ग्रंथियाँ हैं, पर यकृत क्या है, आपकी बहिश्रावी ग्रंथि है। तो ये तीनों से क्या डिफरेंट है, ठीक है। चलिए देखिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घोंसला, जंगल, बिल और घर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए होगे तो तुरंत इसका आंसर दे लोगे, अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर उलझ जाओगे, ठीक है। देखिए अगर आप रहने के स्थान से आप इसका आंसर कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। बात समझ में आ रही है, अगर रहने के स्थान से आप अगर करोगे आंसर इसका तो वो आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जंगल भी किसी न किसी जंतु का रहने का स्थान होता है, तो आप इसको ऐसे रहने के स्थान से डिफाइन नहीं कर सकते, बनाने के जो उसे डिफाइन कर सकते। जैसे कि देखिए घोंसला किसी न किसी जंतु द्वारा बनाया जाता है, बात समझ में आ रही, जंतु द्वारा बनाने जाने वाला चीज़ है ये घोंसला। बिल भी किसी न किसी जंतु द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। घर भी मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जो आपका जंगल है ये ना किसी एनिमल के द्वारा नहीं बनाया जाता, ये प्राकृतिक रूप से निर्मित है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी तीनों क्या है आपस में कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप नंबर देख के डरेंगे तो फिर लगेगा आपको ये बहुत टफ है, लेकिन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आराम से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, पॉज कर सकते हैं वीडियो, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये कुछ नहीं है, देखिए फर्स्ट का क्या है, 10 + 10 + 10 इक्वल टू 30 हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट वाला क्या है, देखिए 15 + 10 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ओके हो गया। फिर देखिए आपका ये वाला 15 + 14 + 1 = 30, ये भी सही है। लास्ट वाला आपका डिफरेंट होगा फिर, लेकिन लास्ट वाला क्या है, 14 + 14 तो कितना हो गया आपका, 28 + 4 = 32, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले क्या हैं, सारे आ रहे हैं 30 30, लेकिन ये क्या आ रहा है आपका, 32 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर तीनों से भिन्न हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको भी आप बताइए करके कि क्या इसका आंसर होगा। चलिए इसका आंसर आप पेपर छोड़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में कौन सा आंसर इसका सही है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और बहुत जल्दी मिलते हैं हम रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।